ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको अनिल कपूर जी की कुंडली लेके आया हूँ। इनका जन्म 24 दिसंबर 1959 को हुआ। देखिए, कुंभ लगन की कुंडली है। इससे पहले मैं आपको अमिताभ बच्चन जी की कुंडली लेके आया था। उनकी कुंडली भी कुंभ लगन की थी और शनि चतुर्थ भाव में बैठ के दसवीं दृष्टि से लगन को देख रहे थे। यहाँ भी देखिए, कुंभ लगन की कुंडली है और शनि लाभ भाव में बैठ के तीसरी दृष्टि से अपने घर को देख रहे हैं। तो इसीलिए ये फिल्म क्षेत्र में आए और इतना अच्छा इन्होंने काम किया और ये एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही, ये भी इनके व्यक्तित्व को अच्छा करेगी। अब हम इनके द्वितीय भाव की बात करते हैं। मीन राशि है, मीन राशि के स्वामी गुरु कर्म भाव बैठ के पांचवी दृष्टि से अपने घर को देख रहे हैं। कर्म से इनको धन की प्राप्ति होगी, कुटुंब परिवार भी अच्छा रहेगा। साथ साथ केतु बैठे हुए हैं गुरु के घर में, अच्छा फल करेंगे। चंद्रमा की दृष्टि गुरु के घर में अच्छा फल करेगी और राहु की दृष्टि पड़ रही है। अब हम इनके पराक्रम भाव की बात करते हैं। मेष राशि है, मेष राशि के स्वामी मंगल कर्म भाव में अपने घर में बैठे हुए हैं। यहाँ पे देखिए, कर्म से इनका पराक्रम काफी अच्छा हो रहा। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। वृषभ राशि है, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं अपने घर में। भाग्य से इनको सुख सुविधा भूमि वाहन मकान की प्राप्ति हो रही है। साथ साथ बुध मंगल गुरु की दृष्टि पड़ रही है और राहु की दृष्टि पड़ रही है, इस कारण इनका चतुर्थ भाव काफी अच्छा है। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव में देखिए, मिथुन राशि है, मिथुन राशि के स्वामी बुध दशम भाव में बैठ गए हैं। तो ये बुध के कर्म के कारण इनको ज्ञान की भी प्राप्ति हो रही है। साथ साथ सूर्य शनि की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो ये सब इनको ज्ञान ही कराएंगे। अब हम इनके छठम भाव रोग ऋण शत्रु की बात करते हैं। जहां पे देखिए, कर्क राशि है, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा अष्टम भाव में बैठ के विपरीत राजयोग बना रहे हैं। साथ साथ केतु की दृष्टि पड़ रही है और देखिए गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो इस कारण इनका कंपटीशन भाव काफी अच्छा रहेगा। सातवें भाव की बात करते हैं। सिंह राशि है, सिंह राशि के स्वामी सूर्य लाभ भाव में बैठे हुए हैं। लाभ से इनका व्यवसाय भी काफी अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन भी काफी अच्छा रहेगा। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टम भाव में देखिए, राहु और चंद्रमा बैठे हुए हैं और शनि की देखिए दसवीं दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा पे, तो ये शनि और चंद्रमा के कारण अष्टम भाव कुछ परेशानी भी लाएगा। राहु जो बैठे हुए अष्टम भाव में, हालांकि बुध के घर में बैठे हुए हैं, तो उतना खराब फल नहीं करेंगे। और केतु की दृष्टि पड़ रही है, तो जब जब राहु और केतु का समय आएगा तो डिस्टर्ब करेगा, परेशानी लाएगा, और चंद्रमा और शनि का जो है टाइम आएगा तो भी इनको दिक्कत आएगी। अब हम इनके भाग्य भाव की बात करते हैं। तुला राशि है, तुला राशि में देखिए शुक्र अपने ही घर में बैठे हैं, तो शुक्र के कारण इनका भाग्य काफी अच्छा रहेगा। कर्म भाव की बात करते हैं। देखिए, कर्म भाव में मंगल भी अपने घर, वृश्चिक राशि है, अपने घर में बैठे हुए हैं। बुध और गुरु भी बैठे हुए हैं, कर्म काफी अच्छा है। साथ साथ केतु की नौमी दृष्टि पड़ रही है, तो कर्म काफी अच्छा रहेगा। मंगल साहस का ही कारक है, तो मंगल के कारण इनका कर्म काफी अच्छा है क्योंकि अपने घर में बैठे हुए हैं। लाभ भाव की बात करते हैं। सूर्य और शनि बैठे हुए हैं, गुरु के घर में बैठे हुए हैं, तो और सूर्य शनि के कारण इनको लाभ भी अच्छा प्राप्त होगा। साथ साथ देखिए, धनु राशि के स्वामी गुरु कर्म भाव बैठे हैं, कर्म से इनका जो है लाभ प्राप्त होगा। व्यय भाव और विदेश भाव की बात करते हैं। मकर राशि है, मकर राशि के स्वामी शनि लाभ भाव बैठे, लाभ से इनको खर्च भी करेंगे और विदेश यात्रा भी होगी।
साथ साथ राहु की पांचवी दृष्टि पड़ रही है, शनि घर में अच्छा फल करेगी। तो मैं एक बार फिर आपको इनकी कुंडली में क्या क्या खास योग है एक बार बताना चाह रहा हूँ। देखिए, कुंभ लगन का होना, शनि का अपने घर में दृष्टि डालना, लग्नेश का अपने घर में दृष्टि डालना इनके व्यक्तित्व को काफी अच्छा बनाता है। गुरु का धन भाव में अपने घर में दृष्टि इनके धन भाव को अच्छा कर रहा है, काफी अच्छा योग बन रहा है। साथ ही मंगल का कर्म भाव में बैठना, अपने घर में बैठना इनको बहुत अच्छा कर्मशील बना रहा है। शुक्र का अपने घर में बैठना इनको बहुत अच्छा भाग्यशील बना रहा है। और चंद्रमा का विपरीत राजयोग होना, तो विपरीत पतियों से इनका जो है फल अच्छा मिलेगा। तो ये योगों का ये कुंडली अच्छी होती है। अब देखिए, इन्होंने जो है वर्तमान में इनकी बुध की महादशा चल रही है, इसके पहले शनि की थी, तो इन्होंने काफी अच्छा काम किया। बुध की महादशा भी पंचम भाव का स्वामी जो है कर्म भाव में है, तो काफी अच्छा काम करेंगे। तो आने वाला समय इनका काफी अच्छा है बुध के कारण। तो ये थी अनिल कपूर जी की कुंडली। दोस्तों, मैं आपके सामने हर एक प्रसिद्ध व्यक्ति की कुंडली लेके आता हूँ, ताकि आपको ज्योतिष सीखने में मदद मिले। और मेरे चैनल को लाइक्स, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद।